नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार झारखंड की सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल नहर के विस्तारित कार्य का पलामू के चियाकी से करेंगे शिलान्यास। पटना में बर्ड फ्लू कई और क्षेत्रों में फैला, विक्रम के पॉल्ट्री फार्म में 2500 से अधिक मुर्गियां मरी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के झारखंड में पलामू के चियाकी से बिहार झारखंड की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल नहर के विस्तारित कार्य का शिलान्यास करेंगे। पलामू जाने के दौरान श्री मोदी कुछ देर के लिए राज्य के गया हवाई अड्डे पर भी रुकेंगे, जहां से प्रधानमंत्री तकनीकी कारणों से 43 वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो सकी थी। लोकसभा ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2018 को अपनी मंजूरी दे दी है। विधेयक में व्यवस्था है कि नए मोबाइल फोन कनेक्शन और बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार नंबर देना अब वैकल्पिक होगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने आधार को कानूनी मजबूती प्रदान की है। मैंने अपने अफसर को निर्देश दिया है, किसी गरीब को आधार के अभाव में अनाज से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमने सर्कुलर भेजा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि आधार के अभाव में किसी को भी अस्पताल में फर्स्ट एड से रोका नहीं जाएगा। आधार ने क्या किया है, कटिंग फिटिंग सेटिंग करने वाले को अलग कर दिया है और सीधा जनता और सरकार के बीच वो उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। कानून मंत्री ने कहा कि आधार को लागू किए जाने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। पटना में चिड़ियाघर और आर्ट कॉलेज के बाद बर्ड फ्लू अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगा है। मिलर हाई स्कूल परिसर स्थित नगर निगम की जलापूर्ति शाखा में कई कौवे और विक्रम में लगभग 2500 मुर्गियां मरी पाई गई हैं। मसौढ़ी में भी कई दर्जन पक्षियों के मरने से लोगों में भय व्याप्त है। विक्रम में 2 मुर्गी फार्मों में 10 दिन तक रहकर बीमारी के कारणों और इससे बचाव के लिए उठाए गए कदमों की जांच करेगी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र से आई दोनों टीमों में से एक टीम पटना में जांच करेगी जबकि दूसरी टीम जमालपुर जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना और जमालपुर में पशुपालन विभाग बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए काम कर रहा है, जल्द ही इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक 6 सदस्यीय टीम भी पहुंची है जो संजय गांधी जैविक उद्यान में प्रभावित क्षेत्रों की जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 237 पुलों के निर्माण की मंजूरी दी है। सबसे अधिक अररिया में 95 पुल बनाए जाएंगे जबकि किशनगंज में 50, बांका में 19, औरंगाबाद में 8, पूर्वी चंपारण में 12, जमुई में 10 और सहरसा में 5 पुल बनाए जाएंगे। इन पुलों के निर्माण में 60% राशि केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि राज्य में 660 पुलों को बनाया जाना है जिसमें 176 पुलों के निर्माण की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, बचे पुलों की मंजूरी भी जल्द मिल। 2 चरणों में की जाने वाली भर्ती के लिए आवेदन इस महीने की 31 तारीख तक जमा कराए जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। भागलपुर, पूर्णिया, गया और पटना समेत कई अन्य जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश स्थानों पर औसत तापमान पिछले साल की तुलना में अभी कम दर्ज किया गया है। उधर कोहरे के कारण राज्य के किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 44 वाहन आपस में टकरा गए। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 62 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा है। कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं, विमानों का परिचालन भी देरी से हो रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए नए अकादमिक सत्र से इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा है कि नए सत्र से छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। राज्य के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की निगरानी अब बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम बेस्ट ऐप के माध्यम से की जाएगी। बीईपी के कार्यक्रम अधिकारी रविशंकर सिंह ने बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ के सहयोग से इसे विकसित किया है।
केन्द्र सरकार ने राज्य में रामायण सर्किट का संशोधित परियोजना प्रतिवेदन मांगा है। केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस ने बताया कि बिहार में बक्सर, सीतामढ़ी और दरभंगा में भगवान राम से जुड़े स्थलों का विकास किया जायेगा। राज्य के थानों में अगले 6 महीनों में थाना प्रबंधकों की नियुक्ति कर दी जायेगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इन प्रबंधकों पर थानों में स्टेशनरी से लेकर अन्य सभी सामानों की देखरेख करने का जिम्मा होगा। साथ ही वहां आने वाले लोगों से कैसा व्यवहार किया जाए इसकी भी जिम्मेदारी होगी। पटना जिले के नौबतपुर नगर पंचायत के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी श्रीश चौहान और नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 12 लोगों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन आरोपितों पर निर्माण की गुणवत्ता की जांच किए बिना राशि भुगतान करने का आरोप है। जांच नहीं करेगी। प्रोत्साहित करने वाले लोगों के लिए बड़े जिलों में 5 लाख और छोटे जिलों में 3 लाख रुपए की राशि रखी जायेगी। मेघालय के खिलाफ होने वाले कूचबिहार ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले के लिए बिहार टीम में 4 परिवर्तन किए गए हैं। राकेश रंजन, रंजन राज, निशित और चंदन यादव को टीम में शामिल किया गया है। वहीं सी के नायडू क्रिकेट ट्रॉफी के लिए बिहार टीम में 3 परिवर्तन किए गए हैं। निक्कू कुमार, सत्यम यादव और सर्वेश तिवारी को टीम में जगह मिली है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने संसद में राफेल पर चर्चा की बड़ी खबर बनाते हुए सुर्खी लगाई है, राफेल पर रक्षा मंत्री के जवाब से नई रार। अखबार की एक अन्य सुर्खी है, पटना के 53 घाटों से बालू ढुलाई का काम ठप। दैनिक जागरण ने पटना सिटी के रानीपुर में बच्चे के गड्ढे में गिरने की घटना को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुए शीर्षक दिया है, 10 फीट गहरे नाले में गिरा आदित्य, एनडीआरएफ टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दैनिक भास्कर ने अयोध्या मामले की सुनवाई की तारीख तय होने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने शीर्षक लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 सेकंड में ही 10 जनवरी तक के लिए टाल दी सुनवाई। प्रभात खबर ने कोहरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, कोहरे का कहर, 44 गाड़ियां टकराई, 6 की गई जान। और अंत में मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार झारखंड की सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल नहर के विस्तारित कार्य का पलामू के चियाकी से करेंगे शिलान्यास। पटना में बर्ड फ्लू कई और क्षेत्रों में फैला, विक्रम के पोल्ट्री फार्म में 2500 से अधिक मुर्गियां मरी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 237 पुलों के निर्माण को दी मंजूरी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे प्रदेश में छाये रहेंगे बादल, मौसम विभाग ने कल से बूंदाबांदी की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और ओडिशा में आज विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। रेलवे ने 13,000 से अधिक पदों की 2 चरणों में भर्ती की घोषणा की। 27वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से। सरकार छोटी उम्र में खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तरीय चैंपियन बनाने के लिए प्रशिक्षण देगी। जर्मनी में चांसलर अंगेला मर्केल सहित सैकड़ों राजनेताओं का निजी डेटा लीक। और सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के साथ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और ओडिशा जा रहे हैं। वे झारखंड में उत्तरी कोयल मंडल बांध परियोजना को फिर सक्रिय बनाने और कन्हार स्टोन पाइपलाइन सिंचाई योजना की आधारशिला रखेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के 25,000 लाभार्थियों के सामूहिक गृह प्रवेश का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज झारखंड के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू से 6 बड़ी सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इनमें सोन नदी से गढ़वा तक पाइपलाइन के जरिए सिंचाई की नहर, लातेहार में उत्तरी कोयल पर मंडल डैम का निर्माण, पलामू के लिए बतेर बियर जलाशय, गढ़वा के लिए बाई बाकी जलाशय, चतरा के लिए अंजनावा जलाशय तथा पश्चिमी सिंहभूम के लिए ब्राह्मणी सिंचाई योजना। इनमें सोन नहर योजना को छोड़कर शेष 5 पुराने प्रोजेक्ट हैं जिन पर कार्य वर्षों से बंद पड़े हुए थे। इनके पूरा होने पर झारखंड की खेती को बड़ी मदद मिलेगी। पलामू से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश सिन्हा।
प्रधानमंत्री ओडिशा के बारीपदा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के बालेश्वर हल्दिया दुर्गापुर सेक्शन और बालेश्वर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उनका चार लेन की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने और 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री बारीपदा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 19 लाख से अधिक रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और गुजरात में योजना के राज्य समन्वयक एसएस लांबा ने अहमदाबाद में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा वर्ष में तेल कंपनियों ने गुजरात में 1,860 से अधिक एलपीजी पंचायतें लगाई। रेल मंत्रालय ने कनिष्ठ अभियंता, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक तथा धातु विज्ञान सहायकों के 13,487 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इन पदों के लिए अधिसूचना रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की गई है। रेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया के लिए इस महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। सरकार लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में पारंपरिक डिब्बों के स्थान पर आधुनिक LHB डिजाइन के डिब्बे लगा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल राज्यसभा में बताया कि ये कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन डिब्बों की क्षमता और गति अधिक है और इनका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने कल रात भारी गोलाबारी की। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने लगभग 9 बजे रात को मनकोट और कृष्णा घाटी में भारतीय चौकियों और नागरिक बस्तियों पर अकारण गोलियां चलानी शुरू कर दी और भारी गोलाबारी की। सीमा पर तैनात सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से गोलीबारी आज तड़के तक जारी थी। भारतीय क्षेत्र में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना और आतंकवादियों की घोषित वैश्विक सूची में शामिल सलाउद्दीन के पुत्र शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालत द्वारा जांच पूरी करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को और समय दिए जाने के बाद अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय में अवैध कोयला खनन रोकने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 2 महीने के भीतर जमा करानी होगी। पिछले महीने की 13 तारीख से अब तक राज्य के पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले के लुमथारी गांव में अवैध कोला खान में 15 खनिक फंसे हुए हैं। 27वां विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 9 दिन के इस वार्षिक आयोजन का उद्घाटन करेंगे। पुस्तक मेले का इस बार का विषय है दिव्यांग पाठक। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आकाशवाणी मेले के लिए रेडियो पार्टनर है। मेले में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बापू द्वारा और उन पर लिखी गई पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। 600 से अधिक प्रकाशक अपनी पुस्तकें प्रदर्शित करेंगे। इस बार वयस्कों के लिए टिकट मूल्य 30 रूपए और बच्चों के लिए 20 रूपए रखा गया है। टिकट ऑनलाइन के अलावा कुछ मेट्रो स्टेशन तथा प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 और 10 पर उपलब्ध रहेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में आने वाले विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। 20 से अधिक देश मेले में भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि सरकार छोटी उम्र में खिलाड़ियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है ताकि प्रशिक्षण देकर उनकी खेल प्रतिभा को निखारा जा सके और उन्हें विश्व स्तर का चैंपियन बनाया जा सके। कल नई दिल्ली में खेल मंत्री ने दिल्ली पुलिस के परिवार कल्याण सोसाइटी मिशन ओलंपिक्स स्पोर्ट्स मीट का समापन किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। अब 2019 से 12 साल और 8 साल के बच्चों का फिजिकल टेस्ट पूरे देश के अंदर कराने की तैयारी चल रही है। हम तकरीबन 2 करोड़ बच्चों का हर साल फिजिकल टेस्ट करेंगे, जो 8 साल के होंगे, 9 साल, 10 साल के होंगे, और फिर हर साल उस उम्र पे हम सिलेक्शन करेंगे 1000 खिलाड़ियों का पूरे देश में, और उनको 8 साल और 10 साल की उम्र में हम 5 लाख रूपये देना शुरू करेंगे 1000 खिलाड़ियों को। जर्मनी में चांसलर अंगेला मर्केल सहित सैकड़ों राजनेताओं का निजी डेटा लीक हो गया है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि विभिन्न राजनेताओं और बड़ी हस्तियों की निजी जानकारी और दस्तावेज इंटरनेट पर अपलोड कर दिए गए हैं। सूचना सुरक्षा संबंधी संघीय कार्यालय और खुफिया सेवा सूचनाओं के लीक होने की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की थाईलैंड में एक फैक्ट्री की कुर्की कर दी है। इसकी कीमत 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। निदेशालय ने बताया है कि धन शोधन निवारण अभियान के अंतर्गत कुर्की का अंतिम आदेश जारी किया गया है। थाईलैंड की खाड़ी और आसपास के इलाकों पर चक्रवाती तूफान पाबुक पिछले 6 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान भारतीय समय के अनुसार आज शाम 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से लगभग 820 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व थाईलैंड पर केंद्रित होगा। तूफान आज दोपहर से पहले अंडमान सागर की तरफ पहुंच सकता है। चक्रवाती तूफान पाबुक पोर्ट ब्लेयर से 820 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व पर केंद्रित है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आज अंडमान सागर में प्रवेश करने की संभावना है। इसके बाद यह तूफान उत्तर पश्चिम की दिशा पर बढ़ते हुए कल शाम या रात अंडमान द्वीप को पार कर सकता है। तूफान के प्रभाव से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी, जिसके बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है। तूफान की संभावनाओं को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से एम मुसीन के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन में मध्यम से भारी हिमपात होने का अनुमान व्यक्त किया है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को इस दौरान ऊंची पहाड़ियों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। अगले 48 घंटे के दौरान शिमला की पहाड़ियों, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भारी हिमपात हो सकता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जनजातीय इलाकों में झीलें, झरने इत्यादि जम गए हैं। यही नहीं, पीने की पाइपें जमने से पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल की ओर बढ़ते पश्चिमी विक्षोभ का हवाला देते हुए आने वाले 2 दिनों में भारी बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की है। नंदिनी मित्तल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। समूचा उत्तर प्रदेश ठंड और कोहरे की चपेट में है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में ठंड का सबसे ज्यादा असर है। हालांकि कुछ स्थानों पर रात के न्यूनतम तापमान में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन दिन में तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। राज्य में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है और कुछ जिलाधिकारियों ने सुबह 10 बजे से पहले स्कूल नहीं खोलने के निर्देश दिए हैं। बरेली जिले में जिलाधिकारी ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। मुल्तान सिंह यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 136 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने आज सुबह बिना किसी नुकसान के 24 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत श्रृंखला में मजबूत स्थिति में है। दूसरे दिन भारत ने कल पहली पारी 7 विकेट पर 622 रन पर घोषित कर दी थी। चेतेश्वर पुजारा ने शानदार 193 रन, ऋषभ पंत ने नाबाद 159 और हरफन मौला रविन्द्र जडेजा ने 81 रन बनाए। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव कल शाम नई दिल्ली के सिटीफोर्ट ऑडिटोरियम में शुरू हुआ। 10 दिन के समारोह का उद्घाटन करते हुए सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि फिल्म विधा भाषा संबंधी अवरोधों से ऊपर है। दिवंगत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा गया। समानांतर सिनेमा में श्री सेन का दर्जा सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक के समकक्ष है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद विमलेंदु। लोकसभा में राफाल मुद्दे पर चर्चा पर रक्षा मंत्री का जवाब अखबारों की अहम खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रक्षा मंत्री ने खारिज किए राफाल पर राहुल के दावे, बिंदुवार दिया जवाब, कहा ईमानदार प्रधानमंत्री को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। दैनिक ट्रिब्यून ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान को सुर्खी दी है, बोफोर्स की वजह से कांग्रेस की सरकार गई थी लेकिन राफाल मोदी को वापस सत्ता में लाएगा।
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना मामले में उच्चतम न्यायालय में कल की सुनवाई पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, राम मंदिर पर नई तारीख 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की नई 3 सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई। हिंदुस्तान का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजनीति चाहे जिस राह चले और उतावलापन दिखाए, अदालत अपनी राह और गति खुद तय करती है। कल सिलचर की जनसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन पर जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से नहीं छूटेगा एक भी भारतीय। उन्होंने कहा सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक पर कर रही है काम। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकपाल बनाने में इतनी देरी क्यों। उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल अन्वेषण समिति के गठन पर पिछले साल सितंबर से अब तक के कार्यों की मांगी जानकारी। नवभारत टाइम्स ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के लोकसभा में बयान के हवाले से लिखा है 21 में से 11 सरकारी बैंक कर्ज देने लायक नहीं, सरकारी बैंक 8.5 लाख करोड़ रूपये के डूबे हुए कर्ज से जूझ रहे हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2018 के संसद में ध्वनिमत से पारित होने पर राजस्थान पत्रिका का कहना है राज्य तय करेंगे 8वीं तक विद्यार्थियों को पास करें या फेल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और ओडिशा में आज विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। रेलवे ने 13,000 से अधिक पदों की 2 चरणों में भर्ती की घोषणा की है। 27वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से शुरू हो रहा है। सरकार छोटी उम्र में खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तरीय चैंपियन बनाने के लिए प्रशिक्षण देगी। जर्मनी में चांसलर अंगेला मर्केल सहित सैकड़ों राजनेताओं का निजी डेटा लीक हो गया है। और सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के साथ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।